अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आयशा, मेरे हैप्पी आयशा ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ पहलगाम, जो कश्मीर में है। हमने फ्लाइट की थी पुणे टू दिल्ली और दिल्ली टू श्रीनगर। जैसे ही हम अपने श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँचे, हम निकल पड़े पहलगाम की ओर। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी है 98 किलोमीटर, जिसे पहुंचने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। पहलगाम में हम रुके थे होटल कोस्टा माउंट व्यू। होटल माउंट व्यू है पहाड़ों के बीच में है। होटल में चेक इन करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया, फिर निकल पड़े एप्पल गार्डन की ओर। जब भी कश्मीर में पहलगाम घूमने के लिए आए, तो जरूर एप्पल गार्डन में विजिट कीजिएगा। देखो कश्मीर का जूस मसाला मार के, ये एप्पल जूस हमें कुछ 50 से 100 रुपए में मिल जाता है। उस फ्रेश जूस को पीने का मजा ही कुछ और है। हम यहाँ पे आए थे तो एप्पल गार्डन में एप्पल तो नहीं थे, लेकिन अगर आपको एप्पल देखने हैं एप्पल गार्डन में, तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने की भी चाहिएगा। एप्पल गार्डन के बारे में हमने बहुत सुना था, लेकिन सामने से जब हमने गार्डन एक्सपीरियंस किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हालांकि इसमें एप्पल नहीं थे, फिर भी मज़ा बहुत आ रहा था। एप्पल गार्डन में थोड़ी देर रुकने के बाद हम निकल पड़े सैफरान और ड्राई फ्रूट के शॉप में शॉपिंग करने के लिए। ये वाला शॉप पहलगाम के रास्ते में ही गिरता है। आप देख सकते हो कि इस शॉप में कश्मीर के तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स, चेरी, अखरोट की वैरायटीज देखने मिलेंगे, और ये बहुत बेहतरीन होते हैं टेस्ट में। हमने यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीद लिए, थोड़ी बहुत चेरीज ली और थोड़ी बहुत कश्मीरी केसर। मुझे तो चेरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने वो ले ली। ये देखिए सैफ्रॉन, जितना दिखने में खूबसूरत है, उतना स्मेल में तो इसके बाद हम निकल पड़े मिनी स्विट्जरलैंड के पॉइंट पे, जो हमारे होटल से बस थोड़ी देर की ही दूरी पर था। ये देखिए अब रास्ता कितना प्यारा है, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस रास्ते से सफ़र करने में। बहती हुई नदियाँ, बर्फ, बर्फीले पहाड़, उसमें हम, ओह माय गॉड। मिनी स्विट्जरलैंड जाने का ये रास्ता बहुत खूबसूरत था। बर्फीले पहाड़ों से होता हुआ ये रास्ता इसके बीच आने वाले झरनों और नदियों के बहने वाले पानी की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। 4 से 5 किलोमीटर पहाड़ों पे हॉर्स राइडिंग करने के बाद बहुत खुशी होती है जब आप फाइनली मिनी स्विट्जरलैंड के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि जो लोग होते हैं कश्मीर के जो हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, उनसे प्लीज़ बार्गेनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि उनको इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये लोगों के बहुत दिल से अपने काम करते हैं। मेन गेट है अंदर आने का, इधर से घोड़े का उधर लगा है, पूरे घोड़े उधर छोड़कर ऐसे चलते 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 इधर, यहाँ पर अंदर आने के बाद मैगी और स्नैक्स वगैरह के भी बहुत सारी दुकानें थी। उसके बाद हमने यहाँ की वादियों में बहुत सारी मस्ती की। हमने तो अपने कश्मीर के प्लान का टूर पैकेज करवाया था, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप जब भी कश्मीर आने की प्लानिंग करें, तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अपने उस पैकेज में इंक्लूड हो, क्योंकि जैसे ही शाम होती है तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मुश्किल होता है बाहर निकलना। जैसे कि मैंने अभी बताया था, देखिए यहाँ पे
बहुत सारी स्नैक्स वगैरह सबके शॉप्स वगैरह लगे होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती ऊपर आने के बाद में। अगर भूख भी लगी हो तो यहाँ पे हम आराम से मैगी स्नैक्स वगैरह का एंजॉय भी कर सकते हैं, वो भी इस वादियों के साथ। और एक बात मैं बता दूं कि जब भी आप मिनी स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग करें तो कोशिश करें कि 4 बजे से पहले आए, ताकि क्योंकि यहाँ पे 4 बजे के बाद बहुत जल्दी शाम हो जाती है, तो फिर हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते। अब हम निकल पड़े वापस अपने होटल की ओर। बस इसके साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देती हूँ। फिर मिलेंगे कश्मीर के नए ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए।